दिया और रूपाली रात को अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे। दिया अपनी स्कूटी चला रही थी, तभी रूपाली, अरे दिया रुको, वो देखो पीछे मेडिकल है, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे पहले बोलना चाहिए था ना, अब तो वो मेडिकल पीछे छूट गया। अरे इतना भी पीछे नहीं है, से दिख तो रहा है, मैं अभी आती हूँ। नहीं अभी मत जाओ। क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं डर नहीं लग रहा, लेकिन देर हो जाएगी इसीलिए बोल रही हूँ। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है, देखो तो वहाँ भीड़ भी है। हाँ हाँ पता है, अब इतनी देर हो गई है तो थोड़ी और सही, और पता नहीं आगे कोई मेडिकल मिलेगा या नहीं, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रूपाली चली जाती है और दिया उसे पीछे मुड़कर देखती है। जाते जाते उसे रूपाली हंसते कहती है कि डरना मत, तुम एक इमली के पेड़ के नीचे खड़ी हो, है ना, इमली के पेड़ पर भूत होते हैं। दिया के चारों ओर अंधेरा होता है, वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखती है, वो सच में एक इमली के पेड़ के नीचे होती है। वो पेड़ बहुत बड़ा होता है और अंधेरे में डरावना लग रहा होता है। दिया मन में सोचती है कि सच में ऐसे किसी पेड़ पर भूत होते हैं क्या। दिया फिर से पीछे की ओर देखती है, रूपाली अभी मेडिकल की लाइन में खड़ी ही होती है और उसका नंबर आने में अभी टाइम होता है। तभी दिया के पास एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? मैं तो यही थी, शायद अंधेरे की वजह से तुमने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें डर लग रहा है ना? नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि चुड़ैल और भूतों से सब डरते हैं, जैसे कि अभी तुम डर रही हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, हम सब ये भूत प्रेत वाली बातों में नहीं मानते, तुम चली जाओ यहाँ से। दिया फिर से रूपाली की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सामने देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती। दिया सोचती है अच्छा हुआ चली गई, क्या अजीब सी बातें कर रही थी। तब वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। दिया थोड़ी डर जाती है। क्यों, मेरे बारे में सोच रही थी? मुझे अचानक देखकर डर गई ना, मुझे पता था कि तुम इस पेड़ के नीचे खड़े होने की वजह से डर रही हो। तुम्हारी दोस्त सच बोल रही थी, इमली के पेड़ पर चुड़ैल और भूत रहते हैं। फिर से आ गई, पागल हो क्या? एक बार में बात समझ नहीं आती तुमको, मैंने कहा ना तुमसे मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में भूत होते हैं, क्यों बार बार एक ही बात को बोले जा रही हो। तभी कहीं से कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज आने लगती है। ऐसे चुड़ैल और भूतों का अपमान मत करो, और वो भी उन्हीं के पेड़ के नीचे खड़े रहकर। तुम्हें पता है कि कुत्ते ऐसे बेवक्त क्यों रोते हैं और भौंकते हैं? क्योंकि जो इंसान नहीं देख सकते वो कुत्ते देख सकते हैं, जैसे कि भूत या चुड़ैल। जब उन्हें कोई चुड़ैल दिखती है वो भौंकने लगते हैं, और चुड़ैल जिसे मारने वाली होती है उसका शोक मनाने के लिए वो रोते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम चली जाओ यहाँ से। दिया रूपाली को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। दिया पीछे मुड़कर देखती है तो मेडिकल में रूपाली का नंबर आने ही वाला होता है। उसे लगता है कि अब रूपाली आ जाएगी तो इस लड़की से जान छूटेगी। तब वो लड़की कहती है, क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें पता है उस मेडिकल के पीछे एक अस्पताल है, और उस अस्पताल में मुर्दा घर भी कहते हैं, कि इसी वजह से इस पेड़ पर भूत हैं। शायद अभी भी उस अस्पताल में किसी का पोस्टमार्टम चल रहा हो। दिया अपने कानों पर हाथ रख देती है। क्या हुआ, डर गई ना? मेरी बात मानो, चुड़ैलों के अस्तित्व को ऐसे नकारना नहीं चाहिए। तुम्हारी दोस्त उस बंद मेडिकल के सामने अकेली रहकर क्या कर रही है? दिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मेडिकल खुला हुआ दिखता है, और रूपाली के साथ और लोग भी दिखते हैं।
अब तक तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम सच में पागल हो। अपनी आंखें खोल कर देखो, वो मेडिकल खुला है और वहां पर भीड़ भी है। अच्छा, तो तुम ही एक बार देख लो। दिया फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मेडिकल बंद दिखता है और रूपाली अकेली लड़की खड़ी दिखती है। अब दिया सच में डर जाती है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो अपनी स्कूटी शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्कूटी शुरू नहीं होती। वो सोचती है, रूपाली को आवाज देकर ही बुलाती हूँ, अच्छा हुआ वो पागल लड़की चली गई। तभी एक बहुत डरावनी चुड़ैल दिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ, डर गई ना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि चुड़ैल से डरना चाहिए। अपने सामने चुड़ैल को देखकर दिया बहुत डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होती है और रूपाली और दिया के घर वाले उसके पास होते हैं। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं जब मेडिकल से आई तब मैंने देखा कि तुम उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। मैं कुछ लोगों की मदद से तुम्हें अस्पताल लेकर आई और तुम्हारे घर वालों को बुलाया। फिर नर्स दिया को आराम करने के लिए कहती है और सबको बाहर जाने के लिए बोलती है। दिया को ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो रूम का पंखा बंद करवाती है। सब बाहर चले जाते हैं। अब दिया अकेले ही बैठी होती है। वो सोचने लगती है कि मुझे मेडिकल के पास जो लड़की मिली वो कौन थी, या वही लड़की चुड़ैल थी? पता नहीं, लेकिन बहुत डरावनी थी। फिर दिया सोने की कोशिश करती है। उसे फिर से अचानक ठंड लगने लगती है। वो देखती है कि पंखा चल रहा है। वो सोचती है कि पंखे को तो बंद किया था। वो देखती है कि पंखे का स्विच तो बंद है, लेकिन पंखा घूम रहा है। ये कैसे हो सकता है? फिर उसकी नजर घड़ी पर जाती है। घड़ी के कांटे भी उल्टे घूम रहे होते हैं। वो बहुत डर जाती है। बाहर कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें आने लगती हैं। दिया को लगता है कि शायद वो चुड़ैल फिर से आ गई है। उसी वक्त वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। दिया डर के मारे सबको पुकारने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। चुड़ैल उसके पास आने लगती है। दिया कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे अस्तित्व को नकार के। चुड़ैल होती है, ये सच है, और तुम उसे झुठला नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि चुड़ैल होती है। मैं आज से कभी भी नहीं कहूँगी कि चुड़ैल नहीं होती। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। चुड़ैल अपने बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत निकालती है और दिया के पास जाने लगती है। दिया को डर के मारे दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुरेश, कपिल और सोहन रात को गांव में पहरा दे रहे थे। दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे गांव में, एक के बाद एक हत्या हो रही है। हाँ, इतना शांत था हमारा गांव, कभी किसी का झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं। पिछले 5 सालों में हमारे गांव को सरकार का आदर्श गांव पुरस्कार मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है। गांव के लोगों की हत्या हो रही है, और वो भी बिना वजह। अब तो डर के मारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो हत्या कोई सीरियल किलर होगा। देखो राज, रात को ही हत्या होती है, और आज तक जितने भी लोगों की जान गई है उन सबको एक ही तरीके से मारा गया है। सबके गर्दन पर एक निशान था, जैसे किसी नोकीले चीज से वार किया हो। तुम्हें क्या लगता है सोहन? मुझे तो ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। क्या? हाँ, देखो, मरने वाले के गर्दन पर नोकीले चीज का निशान तो था, साथ ही उसके शरीर पर भी जगह जगह नाखूनों के निशान थे। आज तक इतनी मौतें हुई हैं, पुलिस ने भी छानबीन की, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। उल्टा रात को पहरा देने वाले पुलिस अचानक गायब हो गए, इसलिए अब ये जिम्मेदारी हम सब गांव वालों ने ही उठा ली है।
गांव के चारों ओर लोग पहरा दे रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इंसान नहीं तो कौन कर सकता है ये सब? कोई जानवर तो नहीं हो सकता? हाँ, कोई जानवर नहीं, लेकिन कोई प्रेतात्मा या चुड़ैल तो कर सकती है ना? क्या बोल रहे हो तुम? और हमारे गांव वालों को कोई चुड़ैल क्यों परेशान करेगी? मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मैं इसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई के दौरान मुझे पता चला है कि कोई अगर अपने मौत का बदला लेना चाहता हो तो किसी चीज की मदद से अपना बदला पूरा कर सकता है, और वो ऐसा काम सिर्फ रात के अंधेरे में ही करते हैं। हमारे गांव में हुई मौत भी तो सिर्फ रात को ही हुई है ना? हाँ, ये बात तो सच है। तभी अचानक से हवा जोर से चलने लगती है, इतनी जोर से कि धूल की लहरें उठने लगती है, सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, साथ ही कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। जैसे ही धूल थोड़ी कम होती है, तीनों दोस्त देखते हैं कि गांव के कुत्ते उनके पास ही आ रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। अरे ये क्या, ये तो हमारे गांव के ही कुत्ते हैं जिन्हें हम खाना देते हैं, और आज ये हमें ही गुस्से से घूर रहे हैं। अभी इनको मारता हूँ। रुको सुरेश, मुझे लगता है कि ये कुत्ते किसी के वश में हैं। भी वो देखते हैं कि एक पेंसिल हवा में तैरते हुए उनके पास आ रही है। जैसे ही वो पेंसिल वहाँ आती है, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है। सब देखते ही रहते हैं कि पेंसिल हवा में तैर रही है। वो पेंसिल बहुत ज्यादा नुकीली होती है। वो पेंसिल उन तीनों के पास आने लगती है। तभी सोहन अपने गले से शिवजी का लॉकेट निकालकर हाथ में लेता है और उस पेंसिल के सामने खड़ा हो जाता है। वो पेंसिल पीछे पीछे होने लगती है और गायब हो जाती है। उसके जाते ही कुत्ते भी भाग जाते हैं। सोहन को यकीन हो जाता है कि ये जरूर कोई बुरी आत्मा है। अगले दिन, सरपंच जी, कल रात हमने देखा कि एक पेंसिल हवा में तैर रही थी। जैसे ही मैंने उसे शिव जी का लॉकेट दिखाया, वो गायब हो गई। वो जरूर कोई चुड़ैल होगी। हमारे गांव में होने वाली हत्याएं वो चुड़ैल ही कर रही होगी। लेकिन हमारे गांव में ऐसा कौन हो सकता है जो अपने मौत का बदला ले रहा हो? वो जरूर माया होगी। कौन माया? कुछ सालों पहले हमारे गांव के स्कूल में माया नाम की एक टीचर थी। वो पढ़ाती तो अच्छा थी, लेकिन वो कुछ अजीब थी। उसे तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्ति थी। एक बार उसे कोई अघोरी हवन पूरा करना था और उसके लिए उसे नर बलि देनी थी। फिर उसने गांव के एक बेटे को अपना शिष्य बना लिया। वो उस लड़के की नर बलि देने वाली थी। ये बात जब हम सबको पता चली, तब सब ने उसे गांव से निकल जाने को कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपने तंत्र मंत्र शुरू ही रखे, इसलिए गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत जख्मी हो गई और भागते भागते गांव से बाहर चली गई। वही उसकी मौत हो गई। लगता है कि इतने सालों बाद वो ही अपना बदला पूरा करने के लिए गांव वालों को मार रही है। ठीक है, मेरे पहचान के एक तांत्रिक वो जरूर उस चुड़ैल का बंदोबस्त कर सकेंगे। सी रात सोहन तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक सब लोगों को एक मंदिर के पास बुलाता है और यज्ञ से बने भस्म का एक गोल मंडल बनाकर सबको उसमें खड़ा होने के लिए कहता है। सब गांव वाले उस मंडल में खड़े हो जाते हैं। तभी फिर से जोर की हवा की वजह से धूल उड़ती है और कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसके साथ ही एक पेंसिल हवा में तैरते हुए आती है। भस्म के मंडल की वजह से वो किसी को कुछ नहीं कर पाती। तांत्रिक उस पेंसिल पर मंत्र सिद्ध पानी डालता है और वहाँ एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। उस चुड़ैल के हाथ में वो पेंसिल होती है। हो तुम और इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? मैं माया हूँ। इन सब गांव वालों ने मुझे पत्थरों से मारा था। मैं तो अपनी तंत्र विद्या का हवन पूरा करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे ही मार डाला। अब मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं एक टीचर थी। बच्चों को पढ़ाते वक्त
मैं ये पेंसिल इस्तेमाल करती थी, इसीलिए ये पेंसिल मेरी पहचान है। मैं इसी पेंसिल से सबकी जान लेती हूँ। तभी किसी का धक्का लगने की वजह से एक आदमी भस्म के मंडल से बाहर गिरता है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। वो चुड़ैल उसे पकड़ कर उसके गर्दन पर पेंसिल खोपने ही वाली होती है कि तांत्रिक पहले ही बनाए हुए चावल के एक पिंड को आग लगा देता है। पिंड को आग लगाते ही चुड़ैल की ताकत कम होने लगती है। उसके हाथ से वो आदमी छूट जाता है। जैसे ही बाकी के पिंड जलने लगते हैं, चुड़ैल भी धुआं बनने लगती है। तांत्रिक उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लेता है और उस पेंसिल के टुकड़े कर देता है। गांव उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है।